अरे इतना सामान लेकर के जा रहे हैं। हमने बहुत फाइट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है जो आप ये टोटल ना बादल उड़ रहे हैं ये देखो। और उल्टा एक इनका बर्थडे भी है आज, 50 रुपए के ना दाल चावल और ये मिल गया। आते हो तो यहाँ पे अपना लगेज वगैरह इस शॉप पे रख कर, मतलब प्रसाद ले लो 500 रुपए का और लगेज छोड़ के जा सकते हो। जगह है इनके पास में रख लेते हैं, हर बार आता हूँ मैं तो हर बार यहाँ पे जगह मिल जाती है, लगेज रख के चले जाते हैं। तो सब बैठते हैं फिर में ये देखिए नीचे बॉक्स वगैरह वगैरह हैं, तो इसी में आप 500 रुपए का प्रसाद लो, आपका लगेज यहाँ पे सेफली बिल्कुल बहुत सेफ रखते हैं ये, चाहे मोबाइल हो कैश हो कुछ भी बहुत सेफली रखते हैं। तो ऐसे ये बने हुए हैं कॉलम, इसमें सारा लगेज ये बहुत आराम से रखते हैं जो चारों तरफ दुकानों में बनी हुई है, तो जगह बहुत है यहाँ पर रख सकते हो आप। होटल का नाम मैं बाद में दिखाऊंगा, भूख लगी थी बहुत भयंकर, टाइम रात 1 बजे के हो गए थे तो मैं फिर से खाने बैठ गया हूँ। 50 रुपए का ना दाल चावल और ये मिल रहा है, राजमा वगैरह चाहे ये भी मिलता है 50 रुपए के अंदर, और ये 40 रुपए का 65 का है। हाँ तो भैया ये 65 का है, ये माता जी ने बोला है ये क्या आगे दूध जलेबी चल लो। दूध जलेबी मैंने रबड़ी जलेबी खाई थी, मिल रही रबड़ी जलेबी तो दूध जलेबी मंगाई थी इनके लिए, कुछ कुछ मैं भी खाऊंगा इसके अंदर से, मैं पिज्जा खाऊंगा। ना इन्होंने खत्म किया ये दूध जलेबी भी इन्होंने खत्म की, वो जो उधर जो दिख रहा है ना वो भी इन्होंने खत्म किया, ये पिज्जा है ना जो अभी गुन्नू खा रहे बेचारी को एक पीस मिला है, मुंह देखो कैसे दया वाले होता है ना मुंह, देखो कैसे घरे बैठी है, एक पीस मिला है सिर्फ खाने के लिए। मैंने सिर्फ दो खाए। ये जो नाम आ रहा है ना यहाँ पे अभी पूरा हमने डिनर कम्प्लीट किया, डिनर की बात करे तो रात के 2 बजने वाले है तो हमने डिनर किया, तो मतलब खाना अच्छा है, थोड़ा महंगा है पर अब क्या करें भाई, देखो चीजें नीचे से ऊपर आती है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहाँ से भैरव जी की यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉमिस किया था और उल्टा एक इनका बर्थडे भी है आज, तो इनको प्रॉमिस किया था कि भाई चल लेंगी वहाँ तक, तो उनको प्रेम कर दूंगा, तो उनको प्रेम कर दिया मैंने, अभी आगे तक सोते हुए जाएंगी। मैं और मेरा छोटा सा जो मोटा है हम दोनों से हाथ पकड़ के मैंने खींच खींच के लेके चल रहा हूँ, मैं तो थके नहीं है क्योंकि थक जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी आगे, क्योंकि सरप्राइज और भी है जो नीचे आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, तो खींच खाँच के मैं लेके चल रहा हूँ उनको, क्या पता मुझे उठा के गोदी भी लेके चलेंगी, वो तो आने वाले टाइम आपको पता चल ही जाएगा कब चलेगा पता, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यार देखो मेरा तो टाइमिंग नहीं है, मैं कभी भी व्लॉग उठा के डाल देता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे फैमिली मेम्बर हो आप सब तो आप देख ही लोगे, ठीक है तो देखो आने वाला टाइम पता चलेगा कि मुझे गोदी उठा के लेके जाती है कि पीठ पे बांध के लेके जाती हैं। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद भैरव जी के यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ी प्रसाद वगैरह जिसको चढ़ाना हो वो लेगा और हम आगे बढ़ेंगे फिर। और गुन्नू के नाना जी गुन्नू को गोदी में ले होकर के अपना बैठे हुए वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और ये रहे भैरव जी का मंदिर। वैसे फ़ोन पता नहीं अलाव है कि नहीं अलाव है, अगर होगा तो मैं देखूंगा, पिछली बार तो नहीं लेके जा पाया था, पिछली बार देखता हूँ होता तो लेके जाऊँगा। तो ऐसे रास्ता जाता है वो मंदिर है भैरव जी का, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर दर्शन करते हैं फिर आगे निकलेंगे यहाँ से। ये आप सोच रहे हो कि धुआं दिख रहा है तो धुआं नहीं है बादल है, क्योंकि यहाँ का मौसम ख़राब है और आज प्रेडिक्शन दिखाते आज बारिश होने वाली है, तो उसी के बादल हैं ये जो उड़ करके इस तरफ में आ रहे हैं। ये पूरे बादल ही उड़ रहे हैं दोस्तों, जो चीज़ें हम जमीन से देखते हैं पीछे दिख रहा है वाइट वाइट सा, ये टोटल ना बादल उड़ रहे हैं ये देखो आप, यहाँ से आपको महसूस हो रहा होगा दिख रही है, तो दोस्तों पूरा ये बादल है। नॉर्मली जिनको हम जमीन से बैठ करके सोचते हैं कि यार कभी छूने को मिलेगा, आज ये बादल ऐसे उड़ रहे हैं यहाँ से। तो क्योंकि मौसम खराब हो गया तो जिसके कारण से ये, और हो सके तो बारिश होगी ये कन्फर्म होगी। तो यार सोच के देखो यार, मतलब जिस चीज़ को हम जमीन से देखते हैं और वो बादल हमारे बगल से निकल रहे हैं इतनी हाइट में, ये बादल को छू पा रहे हैं हम यहाँ पे, बादल छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं बादल छू सकते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे खड़े थे और ये पूरा बादल आकर कवर कर लिया है, तो चले अब हमें दर्शन करना है भैरव जी के। अब दर्शन करेंगे और मौसम यहाँ पे खराब हो रहा है, उससे पहले सोच रहे हैं कि जितना नीचे उतर जाए, नहीं तो यहाँ फंस जाएंगे तो भाई फिर फंस ही जाएंगे। और ठंड इस समय ज़्यादा हो गई है, ये लग गया लाइन में, जल्दी अंदर भैरव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमारी यात्रा मतलब चढ़ाई चढ़ाई की कंप्लीट होती है और यहाँ पे भैरव जी के दर्शन भी कर लिए। अब यहाँ से उतरना शुरू करेंगे। टाइम की अगर बात की जाए तो 6:03 बज चुके हैं, मतलब 3 से 2-3 मिनट ऊपर हो चुका है। अब दर्शन करके अब बस फटाफट उतरेंगे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो को देखा है ना तो हम हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग को शूट करने में, उसको एडिटिंग करना, अपलोड करने के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, हमने बहुत फाइट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, जो आपको धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग में पता चलने लग जाएगा। अब मैं इतना बोलूँगा आपको, मैं अगर आपको लगता है कि फैमिली ब्लॉग देखना चाहिए तो आप खुद भी देखिए, अपनी फैमिली में भी शेयर करिए, क्योंकि हम फैमिली ब्लॉगिंग के साथ साथ में ये भी करते हैं कि आपको कम बजट में अच्छी ट्रिप भी देख पाए। तो मिलते हैं अपन। जय माता दी। तो दोस्तों भैरव जी का दर्शन करके उतरना शुरू कर दिया है हमने। है बैठने बैठने चले, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। स्टॉप इसके लिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्टॉप लेंगे ना तो थक जाएंगे और पैर हो जाएंगे चौक, तो इसके लिए बस कंटिन्यू चल रहे हैं ऐसे। टाइम की बात कीजिए, टाइम तो 5:30 का टाइम हो गया है और अच्छी खासी मेहनत करने के बाद में हम सब पहुंच गए हैं अर्थ कुंवारी में। अब नॉर्मल रुकने का तो बहुत मन कर रहा है, अगर रुक करके थोड़ा आराम कर लें, पर वही अगर आराम करेंगे तो शरीर थक जाएगी और फिर आगे का सफ़र नहीं हो पाएगा। तो 3 हिस्सा तक कर लिए, अभी 1 हिस्सा बचा है, इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे और होटल पहुंचेंगे। तो पहले आप अर्थ कुंवारी का पूरा व्यू देख लो, फिर मिलते हैं। तो आप आते हो तो ऐसे नंबर वगैरह यहाँ पर लगाना पड़ता है, टाइम लेकर के आना दोस्तों तभी आपके लिए सही है, नहीं तो बिना टाइम क्या होगा ना, तो नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे के लिए। यहाँ गुन्नू और गुन्नू के नाना जी बैठे हुए हैं। मुंह देखना इनका, सो रही है बस। गुन्नू चले। बोर्ड दिखा देता हूँ जो मैंने जाने के टाइम भी दिखाया था, तो अगर आप सही से व्लॉग देख करके आओगे ना तो आप ज्यादा परेशान नहीं होगे, आराम से ऊपर भी चले जाओगे और आराम से नीचे भी आ जाओगे। ये रहा साइन बोर्ड का, तो ये वाला नया रास्ता था, ये वाला पुराना था, पुराने से रिटर्न आया, नए वाले से ऊपर गए थे। अब चल दिए यहाँ से आगे नीचे के लिए। हकीकत की मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं, तो दिमाग मतलब खुद सोचने पे हैरान हो जाता है कि हमसे हमारे शरीर नहीं संभल रही है, अरे इतना सामान लेकर के जा रहे हैं। क्या क्या कहीं कह सकते हैं यार, पेट है पेट, क्या क्या नहीं करा था, कम से कम चलो मेहनत करके कमा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। चलो 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 चलो, आ चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर का और सफर रह गया है, फिर नीचे चलते हैं। मौसम कुछ खराब सा लग रहा है क्योंकि बादल वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो वैसे भी प्रेडिक्शन में बताया था कि आज बारिश होगी, तो सुबह थोड़ी मोड़ी पड़ी भी है। अब चलते हैं फटाफट नीचे, दर्शन करके निकल गए। ऑटो की है, पहले ऑटो होता था 100 रुपये के अंदर, एक ऑटो हो जाता था जिसमें 3 लोग बैठ के चले जाते थे आराम से, पर इस 3 महीने के अंदर चेंज कर दिया, यहाँ पर 50 रुपये पर बंदे का चार्ज कर दिया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है किराया, 3 महीने पहले नहीं था ये किराया। अब व्यू देखो, फिर होटल चल के मिलते हैं।